यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाल्लाह। जिसका डर था वही हुआ। विरोध के चलते सरकार ने जैसे ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, उसके तुरंत बाद ही CAA और NRC को लेकर भी फिर से विरोध शुरू हो गया। सरकार ने जिस दिन कृषि कानूनों को वापस लिया था, उसी दिन कई लोगों ने यह डर जताया था कि अब नागरिकता कानून और NRC को लेकर भी दोबारा विरोध शुरू हो जाएगा। अब इसी डर को सही साबित कर दिया AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने, जिन्होंने ये धमकी दी है कि अगर सरकार CAA पर कानून वापस नहीं लेती तो हम UP में शहीन बाग बना देंगे और सड़कों पर उतर जाएंगे। वैसे सोशल मीडिया पर अब कुछ लोगों का कहना है कि लगता है ओवैसी भूल गए हैं कि जहां वो ये बयान दे रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान यूपी के बाराबंकी में दिया है। कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, जिसको देखते हुए राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम दोबारा सड़कों पर उतर जाएंगे और विरोध करेंगे। चलिए पहले असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान आपको सुनवा देते हैं। किसानों के लिए ये तीन कानूनों को, कृषि कानूनों को वापिस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापिस लिया जाए। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहां पर, हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। आपको याद दिला दें कि दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध में एक समुदाय के लोगों ने शहीन बाग इलाके में सड़क को लगभग 4 महीने तक जाम रखा था। इन लोगों को डर था कि इनकी नागरिकता छिन जाएगी। सरकार के लाख समझाने के बावजूद ये प्रदर्शनकारी शहीन बाग से नहीं उठे। इस दौरान दिल्ली की जनता को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। बहरहाल अब ओवैसी का यूपी में शहीन बाग बनाने की धमकी पर उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या रुख होगा वो देखना बाकी है। कोई कहने लगा है कि नागरिकता कानून को वापस लेना चाहिए, कोई कहने लगा है कि 370 खत्म किया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो लोग की इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उन जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको नागरिकता देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.